उपस्थित अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो येसु समाजी को अपने संदेश के साथ आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मान्यवर बिशप थियोदोर मस्करेनस, श्री बंधुजी, श्री शिल्पा नेहा और उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण, सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने अंधकार से निकलकर प्रकाश को पाया है और हम ज्योति बन गए हैं। तो इसको हमको गहराई से समझना पड़ेगा कि ज्योति बन गए हैं, इसका अर्थ है कि हम मसीह के समान बन गए हैं और हमें ईश्वरत्व एक तरह से आ गया है, तो उसको हमको बनाए रखना है। और जैसा कि हम बार बार सुन रहे हैं कि ज्योति को फैलाना है, जब तक हमारे अंदर ज्योति में विश्वास नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमें विश्वास की ज़रूरत है। और विश्वास कैसे आएगा, जैसे कि हम लोग ज़रूर धर्म शिक्षा पाते हैं, माँ बाप का विशेष कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें, विनती प्रार्थना करना सिखाएं, भक्ति भक्ति देना सिखाएं। पारिवारिक प्रार्थना अगर होती है तो उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर जब हम लोग एक साथ बैठ के मिस्सा कर रहे थे, बहुत ही शांत भाव से आप सब ने इसमें भाग लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे दिखाता है कि हमारे अंदर जो भक्ति है, जो विश्वास है, प्रभु के प्रति जो महिमा करने की प्रवृत्ति है, ये बहुत गहरी है। और इसी गहराई को आपको बच्चों को घर में भी देना है, केवल वचन से नहीं लेकिन अपने जीवन से, अपने उदाहरण से देना ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ों को हमारे प्रवक्ताओं ने कहा, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में एक अध्ययन किया गया और उन्होंने कहा कि इंडिया वॉज फ्री बट नाउ पार्टली फ्री, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट बट नाउ पार्टली इंडिपेंडेंट, अर्थात भारत स्वतंत्र था, अभी आंशिक रूप से स्वतंत्र है। इसका क्या अर्थ है, इसको आपको गहराई से सोचना पड़ेगा। और इसी बात को हमारे बंधु जी और नेहा जी ने हमको एक तरह से सोचने के लिए विवश किया है। और जो प्रभुत्व लोग हैं आप लोग में से, जो कैथलिक सभा के लोग हैं, जो महिला मंडल की जो नेतृत्व हैं, इनको उनको गहराई से इस पर विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी राजनीतिक स्थिति क्या है। और इस पर विचार करके तब आप कदम उठाना पड़ेगा आपको। और इसके साथ साथ चुनौती जो आ रही है उसके लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत करने से, मैंने बार बार कहा है और मैं जैसे 25 वर्ष के बिशप होने के अनुभव से मैं आपको कहता हूँ कि विश्वास की बहुत ज़रूरत है, हमें धार्मिकता की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है। अधिक ना कहते हुए मैं पुनः जैसे फादर मस्करेनस ने कहा कि मैं जमघाई के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सुनते रहा हूँ कि कितनी निष्ठापूर्वक, कितना त्याग और तपस्या करके तन मन धन से उन्होंने आज के समारोह के लिए तैयार किया है। मैंने सुना और मैं उन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी ओर से अपील करता हूं आप सब से, ज़रूर धन्यवाद देता हूं। बिशप मस्करेनस ने सबसे पहले बहुत इसकी सोच को उसने हमारे अंदर डाली कि यहाँ एक श्राइन बनना चाहिए,
कुछ लोग कहते थे एक छोटा सा चैपल बना के, नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं, एक अच्छा अच्छी श्राइन बननी चाहिए जिससे कि सारे सारे छोटा नागपुर और बिहार छोटा नागपुर के लोग ये जाने कि यहाँ पर प्रकाश का उदय हुआ। और इसीलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है और उसके लिए मैं आपको पब्लिक में ही कहना चाहता हूँ कि वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसके साथ साथ ताली बजा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें भी बहुत धन्यवाद। बिशप मस्कराणी ने इसकी चर्चा की और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी दिल खोलकर इसको समाप्त करने के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूशन दीजिए। इतना कहते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, कि ईश्वर का आशीर्वाद आपके प्रत्येक परिवार पर बना रहे, कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बना रहे, कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, देखभाल करे, कि किसी प्रकार की बुराई ना हो, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, कि ईश्वर आपके घर द्वार, आपके खेत बारी और आपके जितने भी जानवर पक्षी हैं उन सबको भी आशीर्वाद दे। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। धन्यवाद। अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टोप्पो येसु समाजी को उनके सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। पुनः जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें।